नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। आईएसओटी सम्मेलन, मध्य भारत में अंग प्रत्यारोपण का केंद्र बनेगा नागपुर। डॉक्टर श्राफ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का 32वां वार्षिक सम्मेलन और लीवर ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की दूसरी मिड टर्म मीटिंग होटल ले मेरिडियन वर्धा रोड में शुरू हुई। रविवार 16 अक्टूबर को महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श के साथ समापन हुआ। डॉक्टर सुरेश राव ने संतोष व्यक्त किया कि अंग प्रत्यारोपण के लिए नागपुर आगामी केंद्र है जो देश के मध्य भाग में लोगों की मदद करेगा और अब महानगरीय शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। वे आईएसओटी सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यारोपण समितियों के कई प्रमुख विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एकत्र हुए हैं। पहले दिन 3 हॉल में संवर्धी सत्र आयोजित किए गए। मुख्य सत्र थे संक्रमण से पीड़ित मृतदाता, विशेष परिस्थितियों में दान असामान्य एंजाइम वाले मृतदाता, लीवर ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर रवि मोहनका के मोहनका ने मुख्य भाषण दिया। 5 संगोष्ठी आईसीयू में मृतदाता के अनुकूल पर 17 हेप्टोलॉजी और लीवर प्रत्यारोपण में दिलचस्प मामलों पर क्लिनिक पैथोलॉजिकल सहसंबंध छोटी आंत और अग्नाशय प्रत्यारोपण और जोनल ट्रांसप्लांट को कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर इंसेंटिव नर्सों चिकित्सकों BSD टीम द्वारा 17 सदस्यों के फ्रॉम ट्रांसप्लांट सेंटर का आयोजन किया गया। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। परिसर में नवीनतम जानकारी देने वाली फार्मा और तकनीकी कंपनियों द्वारा व्यापार और औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई गई। फेंसिंग में खामी, जू में घुसकर तेंदुए ने किया हिरण का शिकार। बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा नेशनल जू में घुसकर एक बाहर के तेंदुए ने हिरण का शिकार किया है, जिससे जू की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। प्रशासन के अनुसार बारिश के कारण सौर फेंसिंग में खामी आई थी, जिसके कारण बाहर से तेंदुआ भीतर घुस गया। घटना के तुरंत बाद ही सौर फेंसिंग की मरम्मत कर दी गई। गौरतलब है कि 4 साल पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। रेस्क्यू सेंटर में सौर फेंसिंग की पार एक तेंदुए ने 9 हिरणों का शिकार किया था। 25 हिरण रखे गए हैं। गोरेवाड़ा जू में 4 सफारी बनाई गई है, जिसमें लेपर्ड सफारी, बाघ सफारी, भालू सफारी के साथ हिरणों की सफारी है। हिरणों की सफारी 45 हेक्टेयर में फैली है। यहाँ सौर ऊर्जा के फेंसिंग में मणिपुरी हिरण, भौंकने वाले हिरण, सफेद हिरण आदि 25 हिरणों को रखा गया है। इन्हीं में से एक हिरण ऐसा था जिसकी नजर कमजोर थी। इसी हिरण को सफारी से हटाकर बगल में बनाए एक ओपन एरिया में रखा गया था। मंगलवार को तड़के बहुत ज्यादा बारिश के कारण यहां लगाई फेंसिंग में तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, जिससे विद्युत प्रवाह बंद हो गया था। बाहर गोरेवाड़ा क्षेत्र के एक तेंदुए ने बाड़े में घुसकर हिरण का शिकार कर लिया, उसे आधा खाकर वहीं छोड़ दिया। प्रशासन को घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत यहां पहुंचकर घटना का जायजा लिया और फेंसिंग को ठीक किया। तकनीकी खामी दूर, हमारे यहाँ फेंसिंग को जोन में बांटा गया है। जहाँ उपरोक्त हिरण को रखा गया था, वहाँ तकनीकी खामी के चलते तेंदुए ने पहुंचकर हिरण का शिकार किया। इसके बाद इसे ठीक किया गया। एस भागवत, व्यवस्थापक गोरेवाड़ा प्रकल्प। आरोपी गिरफ्तार, पैसे के लेन देन को लेकर युवक की हत्या का प्रयास। पैसे के लेन देन को लेकर सीताबर्डी में एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया गया। घायल उमेश रमेश वाहने 35 वर्ष बाजारगांव निवासी की शिकायत पर सीताबर्डी पुलिस ने आरोपी शहीद कलंद शाह बोरी अटव तहसीलदार व यवतमाल निवासी को गिरफ्तार किया है। घायल उमेश वाहने का मेयो अस्पताल में उपचार शुरू है। आरोपी शहीद रेलवे को स्टेशन के पास फुटपाथ पर रहता है। सीताबर्डी इलाके में उसे जो भी काम मिलता है वह कर लेता है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उमेश वाहने और शाहिद दशहरा के दिन ऐसी शराब पीने गए थे। इस दौरान शाहिद की जेब से 700 रुपए गायब हो गए थे। शाहिद को शक हो गया था कि वह रुपए उमेश ने शराब के नशे में रहने के दौरान जेब से चुरा लिए। वह उमेश से 700 रुपए वापस मांग रहा था। इस बात को लेकर गत 11 अक्टूबर को रात करीब 10:15 बजे वैरायटी चौक के पास फुटपाथ पर दोनों में अनबन हो गई। आरोपी ने उमेश की लात जूतों से टाई कर दी। इस दौरान उमेश नीचे गिर पड़ा। आरोपी शहीद ने उसके मुंह पर पत्थर से मारकर गंभीर जख्मी कर दिया। घटना के बाद आरोपी शहीद खुद सीताबर्डी थाने में गया। उसने घटना के बारे में पुलिस को बताया। न्यायालय ने उसे 17 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सीताबर्डी पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।